हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलकुलस का सेकंड चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जो सेकंड चैप्टर आप कर रहे हो इसमें आपका डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड कल हमने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं y1 से। y1 मीन्स डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं, ओके, एंड इसको d ऑफ y भी लिख सकते हैं। d ऑफ y मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम चेक करें इसको हम लिखेंगे y2। y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, ओके, एंड y डबल डैश कर देंगे दैट मीन्स ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव, एंड d स्क्वायर y सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इन सब का मीनिंग जो है वो यही रहेगा, ओके। ऐसे ही अगर हम हाई ऑर्डर तक लेके जाते हैं डी एक्स क्यूब, इसको हम वाई थ्री लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव, वाई ट्रिपल डैश एंड डी क्यूब वाई। इस तरह से करते जाएंगे अप टू सॉल्व, ठीक है। तो कल हमने क्वेश्चन किए थे, 7 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, 8 क्वेश्चन आपके लिए मैंने ट्राई के लिए बोला था। तो आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th इज If y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दैट सेकेंड डेरिवेटिव आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, होना चाहिए माइनस 5x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के कंप्लीट होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर इनवर्स आपके पास गिवन है तो सबसे पहले आपको इनवर्स को रिमूव करना होता है। ये आप प्लस 2 क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी प्लस की टर्म आ जाती है तो एक्स को हम टेन या कॉट थीटा पुट कर लेते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में टर्म आती है तो एक्स को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट करते हैं। बिकॉज इनकी जो आइडेंटिटीज होती है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो साइन की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन है प्लस में, देन हम यहाँ से पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड यहाँ पे भी tan थीटा रखेंगे बिकॉज 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा का। डायरेक्ट tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर, x के प्लेस पे पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा प्लस tan इनवर्स 2 इंटू tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज अ सीकेंड स्क्वायर, एंड सीकेंड स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा का, ओके। यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे साइन और कॉस में, tan इनवर्स 1 बाय कॉस, सीकेंड को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा को हमने ब्रेक कर दिया, प्लस टेंजेंट से tan इनवर्स कैंसिल 2 थीटा हो जाएगा, ओके। एलसीएम लेंगे यहाँ से, कॉस थीटा एलसीएम आएगा और इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ओके। देन दिस बिकम्स tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, बिकॉज जो हम एलसीएम लेंगे वो इस कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 थीटा। नाउ अब यहाँ पे हमें टेंजेंट बनाना है। 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, यहाँ पे tan इनवर्स इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल का हाफ हो जाता है, ओके। ये फॉर्मूला हमने कॉस 2 थीटा से ही डिराइव किया होता है, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे हमने 2 थीटा लिया है, ब्रेक हो गया यहाँ पे, एंगल हाफ हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ साइन स्क्वायर की, देन ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी एंगल का हाफ किया हमने. और अगर हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस थीटा देन एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल का हाफ करेंगे थीटा बाय 2 हो जाएगा. ओके, सेम टू सेम हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. साइन 2 जो यहाँ पे थीटा गिवन है तो एंगल का हाफ करेंगे साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वही हमने अप्लाई किया है. यहाँ पे थीटा है तो एंगल का हाफ करेंगे थीटा बाय 2 हो जाएगा एंड प्लस 2 थीटा. 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से साइन थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस इज अ टेन इनवर्स. देन दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा. टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल, थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा. दिस इज इक्वल टू 5 बाय 2 थीटा. ओके, अब देखिए y की वैल्यू चल रही है अभी तक हमारे पास, हमने डेरिवेटिव नहीं किया है. देन अब हम डेरिवेटिव करते हैं इसका. कैसे करना है ये देखिए. y इज इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास 5 बाय 2 इंटू थीटा. और स्टार्टिंग में हमने जो पुट किया था x को tan थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. टेंजेंट को अगर इधर लेके आते लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा. x थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. देन y बिकम्स 5 बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x. नाउ वी कैन ईजिली डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x. देन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. दिस बिकम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ हमें चाहिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव. देन इसको मैंने लिखा कि 5 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1. ओके, नाउ वी कैन सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 1 पावर. ठीक है, आगे आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें से हम एक माइनस करते हैं माइनस 2 एंड जैसे ही आप बेस का डेरिवेटिव करते हो 2x हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल, दिस इज माइनस 5 एंड यहाँ से x एंड इसको हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी कि अपॉन में लेके आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये होना चाहिए. Question number 10 is if y equal to a sin mx plus b cos mx, prove that second derivative d square y by dx square plus m square y equal to 0. ये आपको प्रूव करना है. देन सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. y1 इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, a इंटू साइन एम एक्स का डेरिवेटिव cos एम एक्स इंटू एम एंगल का करेंगे m आ जाएगा प्लस b, दिस इज माइनस साइन एम एक्स और एंगल का डेरिवेटिव m. y2 फाइंड आउट कीजिए, a इंटू माइनस साइन एम एक्स एंड m ऑलरेडी है और एक बार फिर से एंगल का डेरिवेटिव करेंगे m स्क्वायर एंड प्लस माइनस एंड माइनस b इंटू साइन का डेरिवेटिव इज कॉस एम एक्स इंटू एम स्क्वायर. बिकॉज हम एंगल का करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा ऐसे. ठीक है, y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन क्या आ रहा है एम स्क्वायर एंड माइनस भी दोनों में कॉमन आ जाएगा. देन यहाँ से आ जाएगा a इंटू साइन एम एक्स प्लस b इंटू कॉस एम एक्स एंड ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू. ओके, देन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई, इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं इक्वल टू 0 विच इज़ प्रूव्ड. सेम टू सेम क्वेश्चन 11th है। इफ़ y इक्वल टू आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है a इंटू ई रेस्ट बार एम एक्स प्लस बी इंटू माइनस एम एक्स, देन आपको प्रूव करना है y टू मीन सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू जीरो। एज इट इज ऐसे ही करना है। y1 फाइंड आउट करोगे, a इंटू ई रेस्ट टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव पहले हम एज इट इज लेते हैं, देन पावर का डेरिवेटिव करेंगे। सेम टू सेम ई रेस्ट टू पावर माइनस एम एक्स एज इट इज एंड पावर का डेरिवेटिव माइनस एम हो जाएगा। y2 कीजिए a इंटू ई रेस टू पावर एम एक्स एज इट इज एंड पावर का करेंगे x का 1, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर, एक m ऑलरेडी था हमारे पास, एंड प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस एम की पावर 2, बिकॉज यहाँ से एक माइनस एंड एक हमारे पास ऑलरेडी है। y2 ये आ जाएगा यहाँ से a m स्क्वायर कॉमन लेंगे, दिस इज a ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस माइनस एम स्क्वायर इज अ पॉजिटिव एंड वो हमने कॉमन ले लिया, बी रेस टू पावर माइनस एम, दिस इज एम स्क्वायर, दिस वैल्यू इज अ वाई, वाई टू इज इक्वल टू दिस एंड वाई टू माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ओके, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन इज क्वेश्चन 12, इफ वाई इक्वल टू ए साइन लॉग ऑफ एक्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू मीन सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई वन इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई वन मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से वाई हमें गिवन है, अब वाई वन लेके चलिए, ए इंटू कॉस फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग ऑफ एक्स, ये एंगल है एज इट इज, इंटू एंगल का डेरिवेटिव करते हो 1 बाई एक्स, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग ऑफ एक्स एंड जब हम लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विच इज़ 1 बाई एक्स। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई टू, अब यहाँ पे देखिए ये बन गया हमारे पास a कॉस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, आप यहाँ पे u बाई वी फॉर्मूला मिल गई यहाँ से, इसको एक क्वेश्चन सेकेंड नहीं देते। y1 इज a कॉस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय x, x को जो आप इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a कॉस लॉग ऑफ x। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y2 फर्स्ट डेरिवेटिव कन्वर्टेड इनटू y2 प्लस y1 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू माइनस a, बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स एंड एंगल का करेंगे 1 बाई एक्स। ओके, ये जो आपके पास अपोर में एक्स है इसको आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ए साइन लॉग ऑफ एक्स, इस एक्स की मल्टीप्लाई हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। नाउ ये किसकी वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वाई की वैल्यू, यहाँ रख देते हैं हम वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स इज अ वाई, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये भी एज इट इज 12th की तरह ही है, वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन लॉग ऑफ एक्स स्टेटमेंट में गिवन है और आपको शो करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देन सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स। ओके, नाउ या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बहुत साइड एक्स से या फिर एलसीएम लेके एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते लेफ्ट हैंड साइड पे, देन ये बन जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे करिए कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास एलसीएम आके कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स। ओके, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड राइट हैंड साइड पे माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स इज ए कॉस लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स एज इट इज बी कॉस का डेरिवेटिव साइन लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स का एंगल का डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई एक्स। फिर से हम x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, x से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे आप इधर मल्टीप्लाई करते राइट हैंड साइड पे x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके देन माइनस कॉमन ले लेते हैं ए कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन लॉग ऑफ एक्स एंड दिस वैल्यू जो वैल्यू ऑफ वाई। ओके ये वैल्यू हमारी वाई की वैल्यू है, देन हमने इसको वाई पुट कर लिया माइनस वाई। वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड यही हमें प्रूव करना था। Fourteenth is if y equal to sin inverse x upon under root of 1 minus x square show करना है। फर्स्ट पार्ट 1 minus x square y1 minus xy equal to 1, this is a first derivative। okay चलिए देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, y1 equal to y का डेरिवेटिव dy by dx एंड ये यहाँ पे जो आपके पास है वो u by v फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एंगल का डेरिवेटिव एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ एंड हम डेरिवेटिव करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ 1 अपॉन 2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट में है एंड बेस का डेरिवेटिव मतलब कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल और कंप्लीट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस माइनस एंड माइनस इज अ प्लस। ओके एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जो अपॉन में टर्म आ रही है दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज इसका करेंगे स्क्वायर देन ये जो हो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब जो हमें प्रूव करना है वो चीज़ देखिए आप, वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई कर रखी है y1 के साथ, देन हम इस फैक्टर को उठा के ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ये फैक्टर हमारा बच जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन ये जो आपके पास फैक्टर है इसके प्लेस पे मैं y पुट कर सकते हो, दिस बिकम्स 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ओके आप x इंटू वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। दिस प्रूव्स द पार्ट फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है, देन ये जो इक्वेशन आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, देन यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करोगे। सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2, देन y1 एज इट इज़ हम करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव y1 एज इट इज़ दिस इज़ माइनस 2x। नाउ x इंटू वाई इसका भी u इंटू वी अप्लाई होगा x इंटू वाई पे, माइनस x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव y1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एंड क्योंकि माइनस बाहर है y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बिकॉज हमारे टर्म माइनस की है एंड इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस 2x y1 and minus x y1 माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए 2xy1 एंड xy1 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3xy1 माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज प्रूव द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से करना है। जैसे ही आपके पास साइन इन्वर्स के क्वेश्चन आते हैं देन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करके जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म होती है इसकी मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, देन सेकंड डेरिवेटिव आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही है। जो 15 क्वेश्चन है वो दे रखा है मेरे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं आंसर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि प्रूव क्या करना है, उसमें अंडर रूट है कि नहीं है। यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है वहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो हम करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन वाई वन स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करते हैं अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को उठा के जब मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये टर्म एज इट इज़ वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले तो पावर आ जाएगी 2y1 इंटू y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज़ एंड जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो दिस इज माइनस 2x। ठीक है, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब जो y1 एंड 2y1 यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स यहाँ से एंड y1 की एक पावर कैंसिल आउट हो गई, एक हमारे पास बच जाएगा। दिस प्रूव्स द आंसर ऑफ 15 क्वेश्चन। y इक्वल टू tan इनवर्स x हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2xy1 इक्वल टू 0। ये भी वैसे सही पैटर्न का है। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं y2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहीं से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सेकेंड स्टेप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1 रह जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 के साथ मल्टीप्लाई एंड इधर 1। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव का करेंगे 2x y1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 इक्वल टू 0 एंड विच इज़ प्रूव्ड। 17 भी एज इट इज़ ही है। y को tan इनवर्स x का यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं 2 टाइम tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स का हो जाएगा डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए, y का डेरिवेटिव y1 पावर आगे आएगी tan इनवर्स x। देन हम बेस का डेरिवेटिव करेंगे, बेस इज अ tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही आपको पैटर्न अप्लाई करना है। जो अपॉन वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इधर जो टर्म बचती है अगर रिमेनिंग फैक्टर रहता है तो कोशिश करिए कि y की वैल्यू हमारे यहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ये y कब बनेगा, जब इसके पास स्क्वायर टर्म होगी। tan इनवर्स x का स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, देन ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड दिस इज 4 tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स x स्क्वायर इज अ वैल्यू ऑफ y, दैन दिस बिकम्स 4 इंटू वाई। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज़ एंड y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे y1 एंड y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस जब हम इस टर्म का करेंगे देन y1 स्क्वायर एज इट इज़ लेंगे एंड 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे बेस का करेंगे, दिस इज 2x इक्वल टू 4y है तो 4 इंटू वाई वन। थ्रू आउट देखिए 2y1 2 इंटू वाई वन, यहाँ से एक पावर ले सकते हैं एंड 2y1 इधर से कैंसिल जो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन रिमेनिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 एंड 2y1 कॉमन ले लिया हमने, y2 प्लस 2y1 कॉमन आ चुका है, 2y1 कॉमन ले लेते हैं एंड दिस इज y1 2 भी कॉमन y1 भी एंड यहाँ से देखिए यहाँ पे एक 2 और भी है। देन 2x कॉन्स्टेंट इसको पहले इधर लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक y1 रह जाएगा एक कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 4y1, 2 एंड y1 दोनों कैंसिल, इधर से 2 बच जाएगा ठीक है। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर पावर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। प्लस में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। y इक्वल टू टेन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0। ये भी कुछ वैसे से ही पैटर्न का है। y इक्वल टू ई रेज टू पावर मिलेगा शायद यहाँ पे, हाँ जी ई रेज टू पावर, y इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स x ठीक है। ये हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव सबसे पहले एज इट इज़, एंड जब आप बेस का पावर का करते हैं टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स का डेरिवेटिव इज 1 ना, इसको फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह का पैटर्न का है कि हमें y2 इंटू दिस फैक्टर चाहिए, तो आप इसको पहले से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स ठीक है। अब इसको भी आपको एज इट इज़ नहीं लेके चलना, यानी इसी का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, दोबारा से हम इसको y पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से पैटर्न बनाएगा कि यहाँ पे वैल्यू बना सके हम y की और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। दिस बिकम्स y1 इक्वल टू वाई ठीक है। अब फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस 2x इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, y1 एज इट इज़ एंड y1 का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1 ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 0 एंड ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन 20th इज y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, हमें प्रूव करना है y3 प्लस y1 इंटू y2 इक्वल टू 0, यानी थर्ड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आना चाहिए। दैन सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव y1 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है एंड एंगल का डेरिवेटिव करते हैं 1 का 0 एंड कॉस का माइनस साइन एक्स ठीक है। देन दिस बिकम्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स ठीक है। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू बाई वी मैथड से करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ सो इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस है आपके पास टर्म में तो माइनस हम जो हम कॉमन ले लेते हैं ठीक है। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़ एंड 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर चल रहा है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर अच्छा जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स की मल्टीप्लाई हमने वन के साथ एंड कॉस एक्स के साथ करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज अ वन, देन ये कंप्लीट टर्म हमारी वन आ जाएगी। देन दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। वन प्लस कॉस एक्स लिखो, कॉस एक्स प्लस वन सेम टर्म, ठीक है, ये कैंसिल आउट। देन इसकी वैल्यू आगे जो है वो माइनस वन बाय वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ गई है वाई टू की। नाउ हम वाई थ्री फाइंड आउट करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव। इसको आप लिख सकते हो माइनस वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस वन, ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव करेंगे y2 का y3 एंड माइनस ऑलरेडी हमारे पास है, और जब आप इसका करते हो तो माइनस वन पावर आगे वन प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस टू, एंड बेस का करते हैं वन का ज़ीरो, कॉस का आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स टू पावर, डिवाइड में लेके आएंगे पावर पॉजिटिव। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, दो पावर है, हमने इस पावर को ब्रेक कर लिया, वन इंटू वन में कर लेंगे, ठीक है। वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ से अगर हम इसको, ये माइनस चल रहा है, देन हमने पावर टू थी, इसको एक एक पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो फैक्टर है, क्योंकि ये देखिए वैल्यू हमारे पास वन अपन वन प्लस कॉस एक्स, दिस इज माइनस की होती तो ये वैल्यू बन जाती वाई टू की, तो यहाँ पे हम इसको माइनस बना लेते हैं, माइनस अप्लाई कर दिया। देन एक माइनस अप्लाई किया तो सेकेंड भी करना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और वापस हमारे टर्म माइनस की बच जाए, ओके। देन दिस वैल्यू बिकम्स द वैल्यू ऑफ वाई टू एंड दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ वाई वन, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। देन वाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन दिस इज वाई टू इंटू, एंड ये वैल्यू आ जाएगी वाई वन की। इम्प्लाइज दैट वाई थ्री प्लस वाई वन इंटू वाई टू इक्वल टू ज़ीरो, एंड ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन वाई वन इक्वल टू लॉग ऑफ x डेरिवेटिव मीन्स अपॉन में आ जाएगी टर्म x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। फिर हम करेंगे बेस का डेरिवेटिव, मीन्स x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव वन एंड अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टाइम वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जब आप अंडर रूट के अपोजिट बेस का करेंगे दिस इज टू एक्स, ठीक है। टू से टू कैंसिल, वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एंड यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एल्सियम दिया हमने अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो कंप्लीट टर्म है कैंसिल आउट, ओके, दिस बिकम्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई वन आ गया, ठीक है। अब देखिए वाई टू के साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, और अंडर रूट नहीं है तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग भी करेंगे, ओके। सबसे पहले आप स्क्वायर कर लीजिए, वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल आउट, लिख देते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। एंड अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसे वैसे स्टेप करते चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है तो पहले मल्टीप्लाई करके अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव टू इंटू वाई वन एंड वाई वन का वाई टू, ठीक है, प्लस यू इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा ना यहाँ पे, वाई वन स्क्वायर एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, वन रहेगा भाई, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो इधर वन लेफ्ट में रहेगा एंड कॉमन निकाल लीजिए टू वाई वन एंड टू वाई वन, वन का डेरिवेटिव यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, टू वाई वन कॉमन आउट करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू ज़ीरो, टू वाई वन कैंसिल आउट हो गया राइट हैंड साइड पे एंड यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। इसी तरह से जो 22वां क्वेश्चन दे रखा है वो भी एज इट इज़ है, इसके अंदर जो है 22 क्वेश्चन में शायद स्क्वायर है यहाँ पे x प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड कंप्लीट का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इसको भी आपको एज इट इज़ प्रोसीजर से फॉलो करना है। पहले आप डेरिवेटिव करेंगे, देन जो आपको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग करना है वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पहले पावर आगे आ जाएगा एंड लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये आगे पावर यहाँ पे वन रह जाती है। देन हम इसके एंगल का करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव, फिर लॉग ऑफ एंगल का डेरिवेटिव, देन बारी आती है x इंटू वन प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x का वन एंड वन बाय टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, ठीक है, एल्सियम लेंगे वापस से टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर से वाई वन टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन पावर है, यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर हमने एल्सियम लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में इधर चल रहा है अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड जैसे ही जो आप एल्सियम लेंगे ये आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, एल्सियम लिया हमने यहाँ पे वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ से टर्म है एंड एल्सियम अलग से लिख दिया मैंने, कैंसिल आउट। इसको फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपको आगे देखना है, सबसे पहले जो प्रूव करना है वहाँ पे स्क्वायर नहीं है, में से अंडर रूट नहीं है तो आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, एंड सेकंड इधर आपको जो है अगर टर्म बच जाती है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पे अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो इधर वन रहता है राइट हैंड साइड पे, अगर राइट हैंड साइड पे टर्म यहाँ पे बच जाती है तो इसको आपको वाई बनाना होता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में इन्वर्स वाले में या लॉगरिथम वाले में सब में वही प्रोसीजर है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे आपको y बनाना है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट y की वैल्यू स्क्वायर नहीं होता तो हम y पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो आप पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले आप स्क्वायर लेके चलेंगे, यहाँ से आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड कंप्लीट का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको y पुट करना ही करना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला, यानी दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही u इंटू वी अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे y का y1 हो जाएगा, बोथ साइड 2y1 कॉमन आउट निकाल के जो है यहाँ से कॉमन लेके जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये जो राइट हैंड साइड पे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो एज इट इज़ यही प्रोसीजर अप्लाई करना है, इसको आप जो प्रोसीड कीजिए। आज के लेक्चर में हम 22वें क्वेश्चन तक ही ट्राई करेंगे, इसका शायद एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा बिकॉज अभी 10 क्वेश्चन बाकी रहते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे कवर करवा दूँगी, ठीक है, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एलजेब्रा का होगा, क्योंकि एलजेब्रा भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, वन डे एलजेब्रा एंड टू डे कैलकुलस, ताकि कैलकुलस का सिलेबस भी हमारा आगे निकल जाए। जब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।